थोड़ा सा फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज करा दें, है ना? ईएम वेव्स थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। फॉर्मूला जो जो यूज होगा, कोशिश करते हैं उन सबको पहले एक बार इकट्ठा कर लें। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो सबसे पहले जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है इज इक्वल टू सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वन बाय रूट अंडर म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻¹⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो काफी यूज होता है, तो इसी में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट मत करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन जनरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ही लिखेंगे। सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम ईयर। उसी तरह स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के मान लो एक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो उसको अगर हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्पीड वी इज इक्वल टू 1/√K टाइम्स म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन नॉट, और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज सी डिवाइडेड बाय रूट के। इसके अलावा थर्ड इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, एक सेकेंड होल्ड करना है,
हाँ जी बच्चों सॉरी, सो थर्ड पॉइंट था द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in free space are related by जो रिलेशन होता है इनका, this is E naught by B naught is equal to C. बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे तो क्वेश्चंस मतलब बहुत ही आते हैं. अभी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे लास्ट ईयर जेई पेपर का, तो देखोगे 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड. तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, तुमको E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. देख लिया आप लोगों ने. उसके अलावा फोर्थ पॉइंट, द क्रॉस प्रोडक्ट ई क्रॉस बी तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ई क्रॉस बी, दिस ऑलवेज टेल्स द डायरेक्शन इन विच द वेव ट्रेवल्स. ठीक है, तो प्रोपगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी. क्लियर है बच्चों, है ना? मान लो ये ई इधर है, बी इधर है, तो प्रोपगेशन इधर होगा. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो जो प्रोपगेशन है वेव का वो इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी. ठीक है, लिख लिया. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Intensity of electromagnetic wave. ठीक है, तो जो electromagnetic wave का जो intensity है, intensity is equal to energy intensity is equal to energy by area into time. तो इसको हम लोग power, energy by time power होता है, इसको power by area भी लिख सकते हैं. formula अगर हम लोग देखेंगे
intensity I is equal to half epsilon naught E naught square into C. So, जहां पे E naught जो है ना एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह I अगर मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखेंगे हाफ B naught square by 2 mu naught, sorry B naught, so half B naught square by mu naught into C. 2 यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ले लिया है. तो ये दो फॉर्मूले हैं इंटेंसिटी निकालने के. क्लियर है बच्चों? लिख लिया? यस सर. अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे. देखो पहला क्वेश्चन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज. तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 मेगाहर्ट्ज न्यू. फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 50 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज ट्रेवल इन फ्री स्पेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. तो इसका जो मूवमेंट है ये एक्स डायरेक्शन में है. तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट और i कैप लिखेंगे क्योंकि x एक्सिस के अलोंग ये जा रहा है. ठीक है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस एट टाइम at a particular point in the space and time electric field E is equal to 6.3 J volt per meter. ठीक है. J इसका direction बता रहा है, मतलब y axis के along है. The corresponding magnetic field B, अब हम लोग को B का value निकालना. हम लोगों ने formula देखा था E by B is equal to C होगा. तो E upon C is equal to B, right? मतलब magnitude बस अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो पहले magnitude निकालते हैं, direction बाद में ले लेंगे क्योंकि division of vector is not possible. तो B is equal to E by C, मतलब 6.3 by 3 into 10 to the power 8. So, इसको करेंगे तो 2.1 into 10 to the power minus 8. ठीक है. तो 2.1 into 10 to the power minus 8 इसमें एक ही है. तो ऐसे ही पता चल गया. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं समझो इसको. सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज बी इंटू सी होगा. ठीक है. सो जो इसका जो हम लोग को ये देखो या ऐसे समझ लो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. सी इस डायरेक्शन में, ई इस डायरेक्शन में. अब अगर तुमको इसका जो बी का डायरेक्शन निकालना होता है, बी का डायरेक्शन क्या होता है, इन दोनों का परपेंडिकुलर सी क्रॉस ई कर दोगे तो निकल जाएगा बी का डायरेक्शन. ठीक है. तो बी का डायरेक्शन अगर हम लोग को निकालना है या फिर ऐसे समझ लो बी क्रॉस सी is E. B का डायरेक्शन हम लोग को निकालना है, C का डायरेक्शन हम लोग को I पता है. तो I क्रॉस किससे करेंगे कि हम लोग को J मिल जाए, J कैप मिल जाए. ठीक है.
आप ये देखो आई कैप है, जे कैप है और के कैप है, ठीक है। तो बेसिकली के क्रॉस आई करते हैं तो जे मिलता है, अगर इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे तो। तो सी क्रॉस बी क्रॉस बी इज इक्वल टू सी करते हैं। सो ई क्रॉस ई कैप क्रॉस बी कैप इज इक्वल टू सी कैप, इसको यूज करते हैं हम डायरेक्शन निकालने के लिए। तो बी का हम लोग को डायरेक्शन नहीं पता है, ई का पता है, जे कैप इनटू समथिंग गिव्स आई कैप। तो जे क्रॉस के बेसिकली आई देता है, तो यहाँ पे जो बी कैप का डायरेक्शन होगा वो के कैप होगा। सो बी अगर वेक्टर फॉर्म में हम लोग को लिखना है तो दिस विल बी 2.1 इंटू 10^-8 के कैप लिखता है। तो ये डायरेक्शन इससे पता चलता है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया? यस। ट्राई करो इसको। ये जो सिंपल थ्योरी है, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा सेम होता है, UE इज इक्वल टू UB होता है। याद करने की ही चीज है। इसको डिराइव कैसे करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी
So energy density of magnetic field is equal to B naught square by 2 mu naught. यहाँ बी नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू हम लोग को पता है. उसके अलावा एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E square. अच्छा. उसके अलावा ठीक है ये मैक्सिमम वैल्यू कर लो. अब नाउ सिंस E नॉट बाय B नॉट इज इक्वल टू C and C square is equal to 1 by mu naught into epsilon naught. So, अब हम लोग UE से स्टार्ट करते हैं. UE is equal to half epsilon naught E naught square, which is equal to half epsilon naught. E naught को C B naught लिख सकते हैं. इस वाले को यूज करेंगे E naught को C times B naught लिख सकते हैं. So this is half epsilon naught C square B naught square, which is half epsilon naught. C square is 1 by mu naught into epsilon naught into B naught square. So B naught square अगर हम लोग डालेंगे. अब देखो एप्सिलॉन नॉट कट गया. ये क्या हो गया बी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट विच इज इक्वल टू यू बी. तो इसका मतलब क्या हो गया यू ई इज इक्वल टू यू बी. यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है. तो एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो इक्वल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन ईच ऑफ दिस. क्लियर है बच्चों. यस. लिख लिया आपने. यस. ये कीजिए तो आसान है. तो फोर्थ है ना.
इसका 350, हाँ सही है, बहुत सिंपल था ये, इसमें वही E नॉट बाय B, B नॉट इज इक्वल टू C वाला लगा के करना है. सो इफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव, तो इसका स्पीड C दे रखा है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा C का वैल्यू हो गया. B इज गिवन एज 100×10⁻¹. सो B का वैल्यू है 100×10⁻¹. B नॉट का वैल्यू, सॉरी, 100×10⁻¹ हो गया. अब हमें निकालना है, देन फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद दिस. E नॉट बाय B नॉट इज C, E नॉट इज C इंटू B नॉट, 3×10⁸, 100×10⁻¹. So 10⁻² 10⁻³ × 10⁴ ये हो जाएगा. क्लियर बच्चों? आगे समझ? Yes. ट्राई कीजिए ये भी.
नहीं हो रहा है, देखो क्या कह रहा है इसमें, the electric field of a plane polarized electromagnetic wave in free space is given by this expression. तो electric field का ये expression हो गया, E is equal to 10 cos 6x plus 8z j cap. तो ये हम लोग को इसका electric field का value दे रखा है. So, अब देखिए ठीक. तो जो हम लोग का जो इक्वेशन देखोगे, E इज इक्वल टू, अगर कंपेयर करोगे, E नॉट टाइम्स साइन या कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस फॉर्म में होता है कोई भी वेव का इक्वेशन, राइट. सो यहाँ पे जो ये जो हम लोग ये लिख रहे हैं सिक्स एक्स प्लस एट जेड, ये बेसिकली के जो वेक्टर है डॉट आर वेक्टर, जो उसका पोजीशन वेक्टर है, ये उसका है सिक्स एक्स प्लस एट जेड. तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई, एक्स आई प्लस जेड के फॉर्म में है. बेसिकली ये अगर हम लोग इसको लिखेंगे, सिक्स आई प्लस एट के हो जाएगा हमारा ये वेक्टर. तो जो के वेक्टर होगा, इससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं के डॉट आर से ना, तो के हो जाएगा हमारा सिक्स आई प्लस एट के, और वेक्टर आर जो हो जाएगा वो एक्स आई प्लस जेड के, ये इसका पोजीशन होगी. अब ये हमारा ई का वैल्यू है 10j, ये b का वैल्यू होगा, और ये c का डायरेक्शन है बेसिकली, डायरेक्शन के साथ. सो दिस इज तो ये जो c वेक्टर है, ये हमारा 6i प्लस 8j हो जाएगा वेव, 6i प्लस 8k हो गया. और इसका c कैप अगर हम लोग निकालेंगे, रूट अंडर 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये हमारा c कैप, मतलब c कैप c मैग्नीट्यूड, सॉरी. So this is 36 plus 6400 हो गया, 10 हो गया.
तो सी कैप को हम लोग लिखेंगे 6i प्लस 8k डिवाइडेड बाय 10, 6 बाय 10 हो गया 3 बाय 5i प्लस 4 बाय 5k, सो 3i प्लस 4k डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये C कैप का वैल्यू है। नाउ डायरेक्शन ऑफ B इज गिवन एज, देखो C कैप को क्रॉस ई कर देंगे तो हम लोग को डायरेक्शन ऑफ बी पता चल जाएगा। सी कैप है हमारा 3i प्लस 4k बाय 5 और ई कैप बेसिकली ये जे है, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो आई क्रॉस जे के होता है और के क्रॉस जे माइनस आई होगा, i क्रॉस j k हो जाएगा 3 बाय 5 k क्रॉस j माइनस i हो जाएगा माइनस 4 बाय 5 i। तो ये b के अलोंग का जो डायरेक्शन है वो चल जाएगा। सो डायरेक्शन है माइनस 4i प्लस 3k बाय 5, ये हम लोग को डायरेक्शन दे रहा है b के अलोंग का, b कैप का। और हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड बी, सो बी नॉट ई नॉट बाय, सो ई नॉट बाय बी नॉट इज सी, तो ई नॉट बाय सी इज बी नॉट, ठीक है। तो ई नॉट बाय सी मतलब 10 बाय सी हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू लिखेंगे, देखो 10 अपॉन सी, सो 10 अपॉन सी बी का हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, बी नॉट इंटू कॉस ऑफ 6x प्लस 8z, क्योंकि ये अंदर जो वैल्यू है ये सेम रहता है, फेज सेम होता है दोनों का, ई नॉट और बी नॉट दोनों का। तो 6x प्लस 8z माइनस 10 सी टी, ये जो 10 सीटी इसीलिए कर रहे हैं नेगेटिव साइन, इसीलिए क्योंकि ये टाइम के साथ ये राइट को मूव कर रहा है, इसीलिए माइनस 10 सीटी होता है। और इनटू ये जो बी कैप का जो वैल्यू है माइनस ऑफ 4i प्लस 3k डिवाइडेड बाय 5। अब ये कॉस वाला चीज को तो ऐसे ही रहने देंगे, ये 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 10 बाय 5 सॉरी डिवाइड कर देंगे, 10 बाय 5 2 हो गया 2 बाय, सो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8i हो गया प्लस 6k डिवाइडेड बाय c कॉस 6x प्लस 8z माइनस 10 ct। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट। क्लियर बच्चों? यस सर। सर वो k इनटू r वाला पार्ट समझ नहीं आया। k डॉट r वाला? यस सर। कोई भी जो वेव का इक्वेशन देखते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला चीज करते हैं, राइट? हाँ, तो यहाँ पे टाइम और ये, तो ये जो के एक्स है बेसिकली के तुम्हारा वेव नंबर होता है और एक्स यहाँ पे अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो एक्स लेते हैं। यहाँ पे एक्सिस मतलब इट्स नॉट इन वन प्लेन ओनली, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई या जेड के अलोंग नहीं मूव, तो इसीलिए यहाँ पे जो के एक्स के जगह के डॉट आर कर रहे हैं, के एक्स के जगह। टाइम का कोई रिलेशन यहाँ दे नहीं रखा है इसमें, तो टाइम का नहीं लेते हैं,
एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है, एक्स वाई टी के टर्म्स में नहीं लिखा है, तो एक्स वाई के टर्म्स में लिखा है, तो ये इसको हम लोग के डॉट आर इज इक्वल टू सिक्स एक्स प्लस एट जेड लेते हैं, ठीक है। आर मतलब ये एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एक्स वाई जो हो गया ये तुम्हारा आर हो गया बेसिकली, तो ये एक्स और जेड जो है आर को डिनोट कर रहा है, सिक्स और एट के को डिनोट कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो सिक्स आई प्लस एट जे के हो जाएगा, और आर जो है यहाँ पे एक्स आई प्लस जेड के हो जाता है, ठीक है। ये तरीका है लिखने का बेसिकली, स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में? Yes, sir. बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब दिया भी नहीं हुआ है, मैं ज्यादा परेशान भी मत। सिंपल क्वेश्चन ही आता है, वन ऑफ द काइंड आया हुआ है, बट जनरली सिंपल वाला जो जैसा अभी तक किए हैं वैसा ही क्वेश्चन ज्यादा देखो। ठीक है बच्चों, कर लिया, चले आगे। yes.
नहीं हो रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी 50 वॉट पर मीटर स्क्वायर एंटर्स इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन विदाउट एनी लॉस द रेशियो ऑफ, तो मतलब इंटेंसिटी सेम रहता है दोनों में, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर एंटरिंग द इनटू द फील्ड आर रेस्पेक्टिवली। सो रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ई नॉट बाय बी नॉट बिफोर एंटरिंग एंड ई बाय बी आफ्टर एंटरिंग। ई नॉट बाय बी नॉट क्या होता है, सी होता है, और ई बाय बी क्या होता है, वी होता है। तुमको सी बाय वी का रेशियो निकालना है, ठीक है। सी इज इक्वल टू वन बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और वी इज इक्वल टू वन बाय रूट अंडर के टाइम्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को C बाय वी का वैल्यू निकालने बोला है तो C बाय वी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। C बाय वी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है n, है ना। म्यू इज इक्वल टू C बाय वी करते थे ना, तो C बाय वी n इज इक्वल टू C बाय वी वन बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय वन बाय रूट अंडर k टाइम्स म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल टू रूट के। तो रूट के का वैल्यू n के बराबर हो गया फर्स्ट। अब हम लोग को रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वेव बिफोर एंड आफ्टर। ई नॉट बाय ई हम लोग को निकालना है, हम लोग को देखो इंटेंसिटी कह रहा है, इंटेंसिटी विदाउट एनी लॉस हो रहा है, मूव कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, so half epsilon naught e square I'm sorry so हम लोगों ने पढ़ा था intensity is equal to energy density into speed, शुरू में ही हम लोगों ने किया था। तो ये half epsilon naught e naught square, ये जो energy density है, into speed c is equal to half epsilon naught, ठीक है। और यहाँ पे k times, क्योंकि ये तो half epsilon naught k square सर, इस तरफ c को हो लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट n म्यू नॉट ई नॉट। एक मिनट, ये एक हमारा एक रिलेशन हो गया c बाय v, n का वैल्यू रूट के हो गया हमारा। इसके बाद इंटेंसिटी, हाँ सो ये जो बिकॉज यहाँ पे तो k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसमें मीडियम का जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो जो एप्सिलॉन लिखेंगे उसको k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो हाफ k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर इनटू v स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज योर इंटेंसिटी, बोथ आर सेम। तो अब ये हाफ एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर देंगे, तो e नॉट स्क्वायर by e square is equal to
सो इंटेंसिटी इज एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, तो के टाइम्स वी अपॉन सी हो जाएगा इसका वैल्यू, के टाइम्स वी, के का वैल्यू रूट के का वैल्यू एन है, तो के का वैल्यू एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और सी बाय वी एन है, तो एन स्क्वायर बाय एन हो गया, विच इज इक्वल टू एन, तो ये हमारा ई नॉट स्क्वायर बाय ई स्क्वायर एन हो गया। हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई नॉट बाय ई निकालेंगे तो रूट एन आएगा, ठीक है, तो ई नॉट बाय ई रूट एन हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के लिए करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटेंसिटी को जब इक्वेट करेंगे तो बी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इन टू सी स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट, बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट इन टू वी, राइट। सो हम लोग को निकालना है टू म्यू नॉट कट गया, बी नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बाय सी, राइट, और वी बाय सी हम लोग करेंगे, सी बाय वी हमारा एन होता है, तो वन बाय एन हो जाएगा, और बी नॉट बाय बी इज इक्वल टू वन बाय रूट एन हो जाएगा, तो जो रेशियो है रूट एन और वन बाय रूट एन होता है, तो रूट एन और वन बाय रूट एन ऑप्शन टू, ठीक है। ये ध्यान रखना, वो जो शुरू में हम लोगों ने किया था इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड, तो अगर ये वैक्यूम में जा रहा है तो सी लेंगे स्पीड, और अगर किसी मीडियम में जा रहा है तो बी लेंगे स्पीड, जो कि यहाँ पे क्लियर। पूछो। यस सर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस। सो कीजिए।
श्योर इसका ऑप्शन थ्री है क्या? हाँ सही है। देखो इंटेंसिटी क्या कह रहा है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, ठीक है, और दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इनटू सी। पावर दे रखा है 27 मिलीवॉट, 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस, एरिया 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू ई नॉट स्क्वायर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ये वैल्यू ई नॉट का निकाल लेते हैं पहले, सो दिस इज 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 is equal to e naught square. So e naught square उसको calculate करोगे तो 12 6 18 minus 18 plus 8 minus 10 ऊपर जाएगा 10 to the power 7 हो जाएगा. So 27 into 2 by 18. 12 plus 6 18 or 8 plus 1 9 minus 9 प्लस 9 माइनस 6 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 27 27 27 कट गया, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया, ई नॉट इज इक्वल टू 1.414 इंटू 10 टू द पावर 3 ऑप्शन 3। क्लियर है बच्चों? आप लोगों ने सर टू है क्या? सेकंड वाला है, सही है।
कह रहा मीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अबाउट 10 टू द पावर 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर. इंटेंसिटी दे रखा है 10 टू द पावर 8 वॉट पर मीटर स्क्वायर. द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग को पता है इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी कर लेंगे. ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर बाय 2 साथ में ले लो. क्यों लेंगे उसका रीजन अभी बता रहे हैं, और सी बाय म्यू नॉट. तो सबको उस तरफ लेके चले जाओ, म्यू नॉट इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं बी नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब बी आर एम एस का होल स्क्वायर. हम लोग को आर एम एस वैल्यू निकालना था. ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू तुम्हारा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 है इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज इक्वल टू बी आर एम एस का होल स्क्वायर. ये कैंसिल हो गया, 4 पाई 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3 4.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इज इक्वल टू बी आर एम एस का होल स्क्वायर. सो दिस इज इसको कर लो 41.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 41.8 इज 6.46. सो बी आर एम एस इज 6.46 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. अब ये 10 टू द पावर माइनस 4 के सबसे क्लोजेस्ट यही है. सो दिस इज द वैल्यू. क्लियर बच्चों? यस सर. लिख लिया आप लोगों ने? यस यस सर. लिखिए, सर ए सर फर्स्ट नहीं, कुछ गड़बड़ क्यों, देखो चेक करो. अच्छा सर, कह रहा है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन फ्री स्पेस अलोंग एक्स डायरेक्शन, मतलब जो सी का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन हो गया. ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ द वेव इज 6 वोल्ट पर मीटर अलोंग वाई डायरेक्शन. 6 वोल्ट पर मीटर इन वाई डायरेक्शन. तो ये जे कैप हो गया, आई कैप हो गया. सर थर्ड है क्या इसका? हाँ थर्ड. अब बी हमें पता है भाई, ई बाय बी इज इक्वल टू सी होता है.
बी इज इक्वल टू ई बाय सी हो जाएगा. ई सिक्स है, 3 × 10⁸ से डिवाइड कर लोगे तो 2 × 10⁻¹ हो जाएगा. नहीं और डायरेक्शन तो के अलोंग हो गई जेड डायरेक्शन, अलोंग जेड डायरेक्शन. ठीक है बच्चों, तो इतनी ही है. yes, sir. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर. हम लोगों ने क्या देखे कि E by B is equal to C और इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन, ये दो तरीके का क्वेश्चन बहुत आता है. तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इनटू C कर लो, या B स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इनटू C कर लो. ठीक है, और या फिर E by B is equal to C वाला, ये तरह का क्वेश्चन. तो यही दो तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर तुम देखोगे. ठीक है, तो दीज वेर द क्वेश्चंस व्हिच वेर देयर इन द लास्ट ईयर्स पेपर. इस पे तो एनालिसिस यही है कि इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं. इस साल वाला भी पेपर बाद में करेंगे, बट अभी तो जो है मतलब ऐसे भी ये सब टॉपिक से एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, बाकी नहीं ही आता है. तो ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, इतना अच्छे से इसको समझ लेना सारे क्वेश्चन को. हम शेयर कर लेंगे तुम्हें के साथ. ठीक है, अगली क्लास में फिर इसके बाद ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट कर लेंगे. ओके, ठीक है बच्चों. यस सर, तुम लोग को कुछ क्वेश्चन हम बना के इस चैप्टर पे, तो वो डीपीपी करना है इसके. ठीक है, ठीक है सर.